यह उस जिले की तस्वीर है जो जिला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल में है। यह उस जिले की तस्वीर है जहां की जनता ने मुख्यमंत्री को फर्श से अर्श तक की राजनीति का सफर तय करवाया। यह उस जिले की तस्वीर है जहां का बच्चा बच्चा सीएम को पांव पांव वाले भैया के नाम से जानता है। आज उसी जिले की यह दुर्दशा देखकर कहा जा सकता है कि यही विकास है तो फिर ठीक है, क्योंकि एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हाँ, यह विदिशा जिला है जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजनीति में जबरदस्त कामयाबी मिली। यहाँ की जनता का उनको सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से महज 14 किलोमीटर दूर करारिया गांव की यह तस्वीर है जहां हल्की सी बारिश में यहां लोगों पर आफत टूट पड़ती है। यहां के लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इंसान को एक न एक दिन जरूर जाना है, लेकिन बारिश के मौसम में इंसान की इंसानी जिंदगी खत्म न हो। यह तस्वीर देखिए, कैसे लोग चढ़ी नदी से एक अर्थी कांधों पर रखकर शमशान घाट ले जा रहे हैं। नदी से इस पार आने में ये दिक्कत होती है कि हमें यहाँ से कीचड़ में चलना पड़ता है, तो यहाँ से शमशान और वो मैया और अर्थी एक साथ ही नदी में से निकलती है, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती है लोगों को। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। नदी चल जाए और परेशानी है, जिस हिसाब इतने नदी हो जाए कहाँ ले जाओ का करें। प्रशासन ने कुछ भी नहीं करा आज दिन तक, तो सरकार सुन रही। जान जोखिम में डालकर वो हर बारिश अगर कोई खत्म हो जाए तो इसी तरह उसे दफनाने या उसका अंतिम संस्कार करने ले जाते हैं। यहाँ के वासिंदे चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, शमशान घाट हो या बात कब्रिस्तान की हो, यह वही जगह है किसी नदी को पार करके लोगों को शमशान घाट और कब्रिस्तान तक जाना पड़ता है। जी, ये जो रास्ता देख रहे हैं ये, इसमें कब्रिस्तान भी है, हिंदुओं का मरगढ़ भी है और 500 किसानों की खेती भी। प्रति वर्ष यही हाल होता है कि हम मैयत ले जाने में बार बार गिरते हैं, फिसलते हैं। बड़ा मुश्किल से हम मैयत का कार्यक्रम पूरा करते हैं और ऐसे ही हम हिंदुओं का है, मरघट में नहीं जा पाते। अगर नदी चढ़ जाए तो गांव के अंदर ही करना पड़ता है। तो मेरा सबसे यही प्रशासन से, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि कम से कम हमें मैयत के लिए, किसानी के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मरघट के लिए जाने के लिए सुगम रास्ता तो कम से कम बन जाए। ऐसी ही मुसीबत का उन्हें सामना हर बारिश के मौसम में करना पड़ता है। जिस इलाके में यहाँ की जनता ने यहाँ के हुक्मरानों को राजनीति के शिखर पर पहुँचाया, वो शिवराज सिंह चौहान को इस गांव की समस्या नहीं मालूम। अगर मालूम है तो और भी धिक्कार है, लेकिन हुक्मरानों की यह आदत कल भी थी और आज भी यही आदत बदस्तूर जारी है कि बातें तमाम करो लेकिन काम की अगर बात आ जाए तो फिर झूठे आश्वासन दे दो। स्थानीय नेताओं को इस गांव के लोगों ने इस नदी के ऊपर पुल पुलिया बनाने की मांग की, लेकिन उन्हें तारीख पर तारीख मिली, आश्वासन पर आश्वासन मिला और उसके बाद तस्वीर आप स्वयं देख रहे हो। शुभम मिश्रा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, विदिशा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।